ગુજરાત એટીએસે પાકિસ્તાન માટે જાસૂસી કરેલ રહેલ મોહમ્મદ શકીલની ધરપકડ કરી છે. જામનગરના રહેવાસી મોહમ્મદ શકીલને સિમ કાર્ડ ખરીદીને ભારતીય નંબર પર વોટ્સએપ એક્ટિવ કરી દીધું હતું. તે વોટ્સએપ નંબરથી જમ્મુ કાશ્મીરમાં સેનાની જાસૂસી કરતો હતો. ગત વર્ષે ઓક્ટોબરમાં ગુજરાત એટીએસ દ્વારા આ કેસનો પર્દોફાશ કરવામાં આવ્યો હતો અને આરોપીઓ પકડાયા હતા. ગુજરાત એટીએસ કો મિલિટરી ઇન્ટેલિજન્સ કી તરફ સે એક ઇનપુટ મિલા થા कि पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई एजेंट एक इंडियन सिम कार्ड यूज़ कर रहा है और उस सिम कार्ड पे एक व्हाट्सएप एक्टिवेट करके उस व्हाट्सएप को यूज़ करके भारतीय सेना और भारतीय सेना से संबंधित जो संस्थाएं हैं जैसे कि स्कूल्स हो गई और भी जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हो गए उनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन कर्मचारियों के जो परिवार के सभ्यों को टारगेट कर रहा है और उन उनके साथ जो है परिचित होके उनके ऊपर एक मालवेयर रिमोट एक्सेस ट्रोजन मालवेयर भेज रहा है और उसके थ्रू जो है उनके फ़ोन का एक्सेस कर रहा है और ये एक्सेस करके वो एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकती है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरे देश में स्थित कमांड एंड कंट्रोल सर्वर पर भेज रहा है. तो ये जो इनपुट था इसको वेरीफाई करवाने के लिए जो है पुलिस इंस्पेक्टर सीएच पनारा ने जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया था और इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा था कि ये जो सिम कार्ड जो था एक जामनगर बीडी के रहने वाले मोहम्मद शकीलन थईम के नाम से इशू हुआ था और ये सिम कार्ड जो एक्टिवेट हुआ था वो एक असगर आजीबाई के मोबाइल में एक्टिवेट हुआ था और ये सिम कार्ड एक्टिवेट होने के बाद में ये फिजिकली ये सिम कार्ड तारापुर आनंद में डिलीवर हुआ था और ये आनंद तारापुर में यहाँ पे लाभशंकर दुर्योधन माहेश्वरी नाम के एक व्यक्ति ने जो इसको रिसीव किया था और उसको ये रिसीव करने का इंस्ट्रक्शन पाकिस्तानी एम्बेसी से जुड़े हुए एक आदमी से मिला था. ये जो लाभशंकर दुर्योधन माहेश्वरी है ये मूलतया पाकिस्तानी नागरिक था और 1999 में इंडिया में आ गया था और उसको फिर जो है कुछ साल बाद में भारतीय नागरिकता भी मिल गई थी और अभी इसकी काफ़ी एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो अभी भी पाकिस्तान में है और इसको अपनी फैमिली से मिलने के लिए जो पाकिस्तान में इसको और इसकी पत्नी के लिए वीज़ा की एप्लीकेशन करी थी इस वीज़ा की एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट करवाने के लिए इसने अपने भाई सवाई नाम के इसके मासी का भाई है इसका तो वो उसको संपर्क किया और उसने इसको जो है एक पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ काम करते हुए एक आदमी के साथ जो है इसका कॉन्टैक्ट करवाया था उसके साथ इसने व्हाट्सएप पे इसे कंटिन्यूस संपर्क में था और इसी दौरान इसकी बहन और इसकी इसकी भांजी उसका भी वीज़ा इसने प्रोसेस करवाया था वो पाकिस्तानी एम्बेसी के जुड़े हुए व्यक्ति की सहायता से जाए और ये पाकिस्तानी एम्बेसी से जुड़े हुए व्यक्ति ने इसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम्हें एक सिम कार्ड रिसीव होगा वो सिम कार्ड तुम रिसीव करना और वो रिसीव करके वो सिम कार्ड अपनी बहन के साथ जो है पाकिस्तान भेजना है और उस सिम कार्ड को भेजने से पहले अपने फ़ोन में डाल के उसमें एक व्हाट्सएप का ओटीपी आएगा वो ओटीपी शेयर करना है. तो व्हाट्सएप एक्टिवेट करवा के वो लाभशंकर दुर्योधन माहेश्वरी ने उसको पाकिस्तानी जासूस को दिया था. ये व्हाट्सएप अकाउंट जो अभी इंडियन नंबर जिसमें यूज हो रहा है वो व्हाट्सएप अकाउंट अभी पाकिस्तान से चालू है और वो व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो इंडिया में जो भारतीय सेना और उससे संबंधित जो संस्थाओं में जो कर्मचारी जवान और उनके परिवार के लोगों को टारगेट कर रहा है और गुजरात एटी